नारों को सुनकर ये ना सोचिएगा कि पीएम मोदी भारत में हैं और किसी कार्यक्रम में देश की सीमाओं के अंदर ही हिस्सा ले रहे हैं। माहौल हिंदुस्तानी है, नारे जय श्री राम के हैं, जयकारे हैं, जय घोष है और धरती है उस देश की जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। जी हां, जापान में जय हिंदुस्तान के भी नारे हैं और जय श्री राम के भी। पीएम मोदी को अब कोई सीमाएं नहीं बांधती, ना ही किसी देश में उनका ऐसा स्वागत कोई नई बात रह गया है। ये भारतीय पीएम के लिए विदेशों में रह रहे भारतीयों का प्यार है जो इस बार जापान में दिखा। G20 सम्मेलन में जापान के ओसाका शहर में ये भारतीय पीएम को देखकर लोगों का वो स्वागत था जिससे जिसने भी वहां सुना वो इन्हीं नारों के संग हो लिया। नई दिल्ली से 5,500 किलोमीटर दूर जापान के ओसाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज कुछ ऐसी मची कि भूगोल की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए भारत से जापान तक जय श्री राम का नारा गूंजने लगा। अगर इतिहास की किताबों से निकलकर गौरवशाली लम्हे वर्तमान का स्वागत भारत माता की जय से करने लगते हैं और अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेहद उत्सुक दिखता है और अगर दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर इस तरह सकारात्मक दीवार पर चमक रही है तो मान लेना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के कदम उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां हिंदुस्तान वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है और इसकी झलक जापान में एक बार फिर देखने को मिली।